हेलो प्रोफेशनल्स, एंड आई एम प्रेटी मच श्योर एग्जाम का प्रेशर काफ़ी सरमाउंटेड हो गया होगा, बहुत बढ़ गया होगा, एंड यू मस्ट बी फीलिंग लाइक सर बहुत कुछ पढ़ने को है, बहुत कुछ पढ़ने को है. एंड दोज हु आर गिविंग ऑलमोस्ट एवरी पेपर, दैट इज ऑल द 9 पेपर्स, वाज ऑल द बेस्ट. वो फीलिंग ही एक अलग जाती है, एंड आई पास थ्रू दैट फेज ड्यूरिंग माई टाइम्स, तो आई कैन अंडरस्टैंड. वो फीलिंग ही अलग जाती है, वो कॉम्पिटेंसी लेवल एक अलग आ जाती है कि यू हैव टू फाइट टू द लास्ट एंड प्रूव योर वर्थ. तो ठीक है, आई एम डैम श्योर आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हो. ठीक है, नाउ इस GRMC दैट इज गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस एंड एथिक्स के पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और आया, दैट्स कॉल्ड बोर्ड इफेक्टिवनेस. बोर्ड इफेक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से, यानी गवर्नेंस के पार्ट में से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो उसको बहुत अच्छे से हो सके तो प्लीज़ एग्जाम के हिसाब से पढ़ के जाइएगा. ठीक है, बाकी एग्जाम वाले दिन कौन से टॉपिक्स आपको ज़रूर ज़रूर ध्यान रखने हैं. ठीक है, सो बोर्ड इफेक्टिवनेस के पेपर में कुछ टॉपिक्स जो आपको ध्यान रखने हैं, एक तो इंट्रोडक्शन का पार्ट अच्छे से समझना कि ये बोर्ड इफेक्टिवनेस होता क्या है, बोर्ड इफेक्टिवनेस कैसे चलता है, बोर्ड इफेक्टिवनेस कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक बोर्ड स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, अंडरस्टैंड करने का कि की स्ट्रैटेजीज क्या है, सस्टेनेबल फ्यूचर ग्रोथ कैसे है, बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेता है. तो बोर्ड इफेक्टिवनेस का इंट्रोडक्शन का पार्ट डेफिनेटली देख के जाना. ठीक है, देन इसके साथ साथ ये वाला पार्ट, यस, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स. तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं, क्या काम करते हैं, प्लस उसके साथ साथ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन है, इन्हें रेम्यूनरेशन मिलती है नहीं मिलती, क्या रिक्वायरमेंट है, शेडो डायरेक्टर का कंसेप्ट क्या होता है, व्हाट इज़ अ शेडो डायरेक्टर, और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के डेफिनेशन में वो कैसे फॉल करते हैं, एक कंपनी को वुमेन डायरेक्टर की ज़रूरत कब होती है, कौन सी कंपनीज को चाहिए, और उसकी वेकेंसी कैसे फिल होती है, एंड रूल 3 की रिक्वायरमेंट्स क्या है. देन एक रेसिडेंट डायरेक्टर क्या है, उसका पर्पस क्या है, रेसिडेंट डायरेक्टर्स कब कैसे चाहिए, ये आप एग्जाम के लिए ज़रूर देखे जाइए. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वैसे इस चैप्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में कम है, वो दूसरे में आता है, लेकिन इसका डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के जाना. ओके, डेफिनेशन इसका पार्ट में आएगा. तो डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनी लॉ एज वेल एज सेबी के हिसाब से समझ के जाना, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, और बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल क्या है, ये सब चीज़ें ज़रूर देख के जाना. ओके, एक नॉमिनी डायरेक्टर क्या है, तो नॉमिनी डायरेक्टर के हिसाब से एक नॉमिनी डायरेक्टर का डेफिनेशन, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, वो किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, और कौन सी कंपनीज को चाहिए, तो ज़रूर देख के जाना. ठीक है, देन उसके साथ साथ कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड स्ट्रक्चर्स में एक साइज ऑफ बोर्ड कैसे होगा, कंपनी लॉ और रेगुलेशन 17 की रिक्वायरमेंट क्या है. आप डायरेक्टर्स देखते हो प्राइवेट पब्लिक 1% कंपनी में, लेकिन लिस्टेड कंपनी एक अलग ही तरीके का शो दिखाती है, अलग अलग तरीके का प्रोविजन है, तो वो वहाँ पे चेयरमैन कौन है, उन सब के चीज़ों के हिसाब से होता है. एंड यस, बोर्ड का कॉम्पोजिशन क्या है, तड़ से एक बोर्ड में कितने डायरेक्टर्स चाहिए, कितने होने चाहिए, क्या डायरेक्टर्स हैं, कौन सी कंपनीज के रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इसका बेटर पार्ट उसके इस डायग्राम से काफ़ी अच्छे से समझ में आता है, जो सेबी कहना चाहता है. ओके, सो ये डायग्राम एक बार अच्छे से देख के जाना कि एक बोर्ड के अंदर कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स किस तरीके से आते हैं, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, और कैसे कैसे आप इसको याद रखो, बट इसको ज़रूर अच्छे से देख के जाना. ठीक है, देन के साथ साथ या दिस वन, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज क्या है 166 के हिसाब से, हो सके तो पूरा याद कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो एज फार एज पॉसिबल इतने अच्छे से याद करना कि एग्जामिनर को कन्विंस कर सको दैट यू नो द ड्यूटीज. ठीक है, तो ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे से देख के जाना. एंड यस, 179 सबसेक्शन 3 रेड विथ रूल 8, ऐसी कौन सी चीज़ें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग में ही कॉल करनी पड़ती है, और वो बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही चलेगी. ओके, तो इस पार्ट को भी देख के जाना. देन या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सर्टन रोल्स, सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या रोल उन्हें परफॉर्म करने चाहिए, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और इसका क्या पार्ट है, वो ज़रूर देख के जाना. ठीक है, बाकी मैंने जैसे कहा था कंपनी लॉ के हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन यहाँ पर भी है, तो ये तो देख के जाना है. एंड यस,
नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एक कंपनी में कितने चाहिए, तो ये पार्ट भी देख के जाना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट कौन सी कंपनी को है, कितनी चाहिए। प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में से है, तो क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना पढ़ा लिखा होता है, क्या होता है, कई बार आपके दिमाग में वो क्वेश्चन भी थे, तो उन सब के आंसर्स के लिए ये पार्ट भी ज़रूर देख के जाना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। वैसे शेड्यूल फोर के हिसाब से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, तो उस पार्ट को एक बार पढ़ के जाना कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कंपनी अपॉइंट करती है तो क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, और फिर उसका अपॉइंटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ पे कैसे लीड आउट की जाएगी। प्लस अगर सेबी या कंपनी लॉ के बारे में क्लियरली पूछा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन तो अच्छा है, बाई चांस अगर वो बोलते हैं कि इट इज़ डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो प्रेफरेबली रेगुलेशन 16 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज बी इसको डिस्कस करना। अगर ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में पूछा, ये नहीं बताया कंपनी या सेबी, हाँ अगर ये लोग बताते हैं एग्जामिनर्स क्वेश्चन में तो फिर आप क्वेश्चन के हिसाब से टैकल कीजिएगा, ठीक है। देन लाइबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनी लॉ और सेबी में किस तरीके से अराइज होती है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये ज़रूर देख के जाइएगा, वो अपने आप में एक रेलिवेंट टॉपिक है और ज़रूर उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। एंड देन यहाँ पे व्हाट इज द रोल ऑफ लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या करता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कैसे रीजनिंग करता है, चेयरमैन का रोल कैसे परफॉर्म करता है, और कैसे बोर्ड को अब्रेस्ट रखता है लेटेस्ट चेंजेस के साथ, और क्या क्या चीज़ें उससे एक्सपेक्टेड है, तो वो पार्ट ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। देन या सेपरेशन ऑफ रोल, द बेनिफिट्स ऑफ सेपरेशन, एंड या द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड LODR, एक चेयरमैन और CEO में क्या डिफरेंस है, CEO चेयरमैन से अलग क्यों होना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं CEO चेयरमैन अलग होने के, कंपनी लॉ के हिसाब से ऐसा कोई प्रोविजन है जहाँ पे CEO और चेयरमैन अलग होता है, सभी LODR में कोई ऐसा प्रोविजन जहाँ पे CEO अलग होता है, तो वो पार्ट पढ़ के जाना। वैसे आपको जस्ट एक चीज़ बता दूँ कि ये वाला जो पार्ट है ये डिलीट हो चुका है, ओके, यस दिस पार्ट हैज़ बीन डिलीटेड बाय सेबी। तो अगर आपने, वैसे मैंने पढ़ाते समय मार्किंग करवाई थी, लेकिन अगर आपने नहीं मार्क किया है तो मार्क कर लेना, ये पार्ट अभी सस्टेन नहीं करता 1 April 2022 का, इट हैज़ बीन डिलीटेड बाय सेबी। सो इसलिए ये प्रोविजन अपनी जगह पे 17(1)(b) हैज़ बीन डिलीटेड, पूरा रेगुलेशन 17 डिलीट नहीं किया है, 17(1)(b) हैज़ बीन डिलीटेड बाय सेबी, ठीक है। एंड यस सक्सेशन प्लान के ऊपर शॉर्ट नोट एक्सपेक्ट करते हैं, तो एक सक्सेशन प्लान कैसे होता है, एक सक्सेशन प्लान बनता क्या है, बोर्ड को उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्यों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का सक्सेशन प्लान अपनी जगह पे एक ज़रूरत बन चुकी है, तो उसके बारे में पढ़ के जाना, और प्लस सक्सेशन प्लान का लीगल प्रोविजन क्या है, ओके व्हाट इज द रिक्वायरमेंट कंपनी लॉ एंड दिस थिंग। प्लस ये वाला केस आई वुड से रीड ज़रूर करके जाना मैरिक को, वैसे समझाया दोनों ही है, पर मैरिक को इंडस्ट्रीज में कैसे सक्सेशन प्लानिंग की है और गोदरेज में कैसे की हुई है, रीड इसलिए करके जाना क्योंकि एग्जाम में अगर उन्होंने कोई भी एक सिचुएशन एनालिसिस दिया तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि उसका आंसर आपको कैसे फ्रेम करना है फैक्ट्स वगैरह लिखते हुए, ठीक है। देन या डायरेक्टर्स इंडक्शन प्रोग्राम, डायरेक्टर्स इंडक्शन की, तो जब पहली बार कंपनी में डायरेक्टर्स ज्वाइन करते हैं तो प्रोग्राम के हिसाब से क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड हो गए, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्म की जाएगी, उसके किट्स के रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो ये डायरेक्टर इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, दैट विल बी हेल्पिंग यू इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। देन इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये वाला पार्ट ज़रूर पढ़ के जाना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है बाय द वे, चलो ये पूरा ही पढ़ लो। तो एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता क्या है और किन कंपनीज की बेसिकली रिक्वायरमेंट है कि अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करवाए, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, तो ये वाला पार्ट पे ध्यान रखना है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या है, किस पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है और कैसे काम किया जाता है, ठीक है। एंड या दिस वन, व्हाट आर द मेन प्रोविजंस फॉर LODR विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर्स इवैल्यूएशन,
तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इवेल्यूशन रेगुलेशन 4 क्या बोलता है, रेगुलेशन 17 की रिक्वायरमेंट, 19 की रिक्वायरमेंट, फॉर्मुलेशन क्राइटेरिया, सक्सेशन प्लानिंग क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड्स, रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटीज, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन बेसिस क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या कहना है, बहुत सी चीज़ें आ जाती है. तो प्लीज़ एक बार अच्छे से देख के जाना. क्लियर? एंड यस, एक बोर्ड का इवेल्यूएशन कैसे होगा, इवेल्यूएशन ऑफ द बोर्ड एज अ होल. ओके, बोर्ड का इवेल्यूएशन कैसे होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. एक बोर्ड के इवेल्यूएशन के बाद एक नॉन इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के हिसाब से इवेल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कैसे होगा, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. ठीक है, एंड वॉट मेजर फैक्टर्स टू बी कंसिडर वाइल डूइंग इवेल्यूएशन, उसके इवेल्यूएशन के फैक्टर्स क्या हैं, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उन चीज़ों का. एंड इवेल्यूएशन ऑफ अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कैसे होगा, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, इस चीज़ के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना. ठीक है, क्लियर? एंड यस, व्हाट नेक्स्ट? ओके, द रोल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी क्या है, कंपनी सेक्रेटरी क्या रोल प्ले करता है, कंपनी सेक्रेटरी एक KMP है, कंपनी सेक्रेटरी 203 के हिसाब से. वैसे ये सारा पार्ट आपको सेक्रेटरियल ऑडिट के पेपर्स में भी आता है, बट फिर भी यहाँ पे ज़रूर देख के जाइएगा रेगुलेशन 16(6) के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है और कंपनी सेक्रेटरी के मेजर रोल्स क्या हैं, या बोर्ड इवेल्यूएशन के टाइम पे कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है. कोई भी पार्ट इसमें छोड़ना नहीं, आफ्टरऑल अपने प्रोफेशन का एक पार्ट है, तो ज़रूर देख के जाना. ठीक है, एंड बुक गाइडलाइंस, हाँ ये वाला पार्ट रीड ज़रूर कर जाना. अगर आप लर्न नहीं कर पा रहे हो, एक बार रीड करके समझना एक बोर्ड की इफेक्टिवनेस की इंडिकेटर्स क्या हैं. मतलब यू शुड हैव अ ओवरऑल आइडिया अबाउट दिस, कि ये अगर किसी का कंपनी का इवेल्यूएशन करना हो तो आप क्या क्या इंडिकेटर्स ध्यान रखोगे. और उसी तरह के साथ साथ एक और, हाँ ये पार्ट भी आता है, एक मॉडल बोर्ड चार्टर क्या है, एक बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के साथ में चलने वाला चार्टर क्या है. मतलब अगर आपको बोर्ड के अंदर एक इवेल्यूएशन क्राइटेरिया लेट डाउन करना होगा तो क्या क्या चीज़ों का क्राइटेरिया लेट डाउन करोगे, ये पार्ट यहाँ पे ज़रूर देख के जाना. ओके, सो विद दिस द ओवरऑल चैप्टर इज ओवर. सो मेरा सजेशन ये है कि इन सारे टॉपिक्स को प्लीज़ अच्छे से देख के जाना एग्ज़ाम वाले दिन. ओके, अब ये मत बोलना सर आपने तो पूरा ही मार्क करवा दिया था. नहीं, पूरा नहीं करवाया, पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम्स के हिसाब से, ओवरऑल सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, ओके डेकेड से ज़्यादा हो चुका है अब तो, 16, 17 ईयर चल रहा है. सो इस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान रखना कि ये सारे टॉपिक्स मैंने देखे हैं एग्ज़ाम के हिसाब से, आपने समझा है कि ये सारे टॉपिक्स क्या करते हैं, तो इसके हिसाब से आप बेटर एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे, एटलीस्ट एक फोकस्ड अप्रोच आएगी. ओके, बट ओवरऑल सब छोड़ के मत जाना. ओके, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स.